ये जो लिबरल है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, जो कांग्रेस एंड कंपनी वाले लोग हैं, सुनिए पूरी बात सुनिए, ये उनको बहुत दर्द हो रहा है। न वो सच मानते हैं राम जी का, न ईवीएम मानते हैं। कांग्रेस सरकार का नाम लीजिए आप, सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया, ये सेकुलरिज्म के सांप है, यही सेकुलरिज्म के सांप है जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खा गए। देश बाबर के हिसाब से नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, समझ गए ना। संविधान में राम जी का जिक्र है, हनुमान जी का फोटो है। बाबर जो था यहाँ पर आया था, बाहर से आया था लोग, बाहर से आकर के कोई भी घर द्वार यहाँ पर बना लिया, उसी समय से लोग रहने लगा। और उन लोगों को जब तक, जब यहाँ पर रहने लगे तो यहाँ पर धरती को अपना वो लोग भी चुनने लगे, तो इसके चलते आज उनको बाहर से एक मिनट, मुसलमान बाबर को अपना मानता है। रात में नोटबंदी हो जाती है, सब कोई जानता है, किसी को जाने नहीं जाता है। हम कहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, सुप्रीम कोर्ट जो न्याय करेगा उसको हम मान्य करते हैं। तुम आगे आगे कह रहे हो कि 5 को बनेगा, 6 को बनेगा, 7 को बनेगा, अरे भैया 1992 से तो बना ही रहा है। अब अच्छा अच्छा सुन लीजिए सर, हम यही पूछते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता है कि वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, तो बीजेपी आरएसएस का क्या योगदान हुआ, सवाल मेरा यही है। अच्छा दूसरी सवाल ये है, अगर पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड अगर केस जीत जाती है बाबरी मस्जिद की, तो भारत को क्या जवाब देंगे ये लोग? बाबरी अपने नाम लगाया ना, बाबरी मस्जिद अगर जीत जाती है। बाबरी किसकी मस्जिद है सर? ये बाबरी मस्जिद है, ये था तो बाबर कौन था? बाबर कौन था? बाबर कौन था? बाबर कौन था? कृष्णा जी बाबर आक्रांता था। देखिए भाई साहब ने बोला कि बाबर बाबरी मस्जिद, पहले तो बाबर शब्द ही वहाँ पर गलत है, क्योंकि बाबर इस देश में आक्रांता था, आक्रमणकारी था, हमारे सभ्यता पर चोट किया, हमारे संस्कृति पर चोट किया और हमारे धर्म को ख़त्म करने का प्रयास किया। वहाँ मस्जिद बनाया और वो मंदिर है और मंदिर रहना चाहिए। रही बात दूसरा, मैं इन भाई साहब से पूछना चाहूँगा कि इनका घर का नक्शा है और मैं लेके फाड़ दूँ तो इनको कैसा लगेगा, ये जवाब दें। अगर हम गलत नक्शा इनको ले जा करके देंगे कि आई समझेंगे, देखेंगे नहीं तो फैसला करना तो कोर्ट के ऊपर है, वो क्या करना है? बोली रहे हैं तुम बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल सर, इन्होंने एक सवाल है निशान खड़े के, इन्होंने कहा कि बाबर कौन था और बाबर की लड़ाई इस देश में क्यों लड़ी जा रही है। अभी बात पता है हम, ये तो उन्होंने कहा सर बाबर क्या जी, बोलिए सर। बाबर जो था यहाँ पर आया था, बाहर से आया था लोग, बाहर से आकर के कोई भी घर द्वार यहाँ पर बना लिया, उसी समय से लोग रहने लगा। और उन लोगों को जब तक, जब यहाँ पर रहने लगे तो यहाँ पर धरती को अपना वो लोग भी चुनने लगे, तो इसके चलते आज उनको बाहर से एक मिनट, मुसलमान बाबर को अपना मानता है। ये बात बताइए, आज कार नहीं लेकर के, वीजा लेकर के लोग अमेरिका जा रहे हैं। अभी अमेरिका में गांधी जी का उड़ीना, एक मिनट, आपने बोला वीजा लेके बाबर कौन सा वीजा लेके आया था? इल्लीगल आया था ना, तोड़फोड़ करी थी, नहीं था ना। अरे आए कैसे थे सर? टुकड़े था भारत, तो उस समय टुकड़े था भारत। आज भारत पूरा जो भारत था खंडों में बटा हुआ था, वहाँ पर बाबर के टाइम में वहाँ पर इसके, जब देश की आजादी की लड़ाई जब चलने लगी, अब इसके बाद लोग देश कब आया था, आजादी की लड़ाई कब हुई थी, ये तो बहुत अंग्रेज कब आए थे, बाबर कब आया था तो बहुत फर्क है सर। टाइम गैप आप जानते हैं, अंग्रेज आज बाबर को हो गया 600 बरस है और अंग्रेज को हो गया कम से कम 250 ऊपर हो गया, तो समय का तो डिफरेंस है ना आपके। कल अगर कल की डेट में अंग्रेज आके बोले कि ये लाल किला हमने बनवाया था तो क्या हम उसको दे देंगे? शाहजहां जी शाहजहां के खानदान के आके बोले कि ताजमहल हमने बनवाया था तो क्या हम वो जमीन उनको दे देंगे? अरे पहले की बात छोड़ो कि पहले क्या था, वो कौन था, कहां से आया था, उससे हमें मतलब नहीं है। वो कहां पे बना है वो देखिए, अयोध्या में बना है। अयोध्या क्या है? राम जन्मभूमि है, पूरी दुनिया जानती है उसे। ये कौन सी बात हुआ कि वो नक्शा गलत था? अरे गलत था तो सुप्रीम कोर्ट है कि आप हो, आप कैसे फाड़ सकते हो? देखिए वहां पर आप गलत ढंग से आए थे, गलत ढंग से कब्जा किए थे और गलत ढंग से आप रह रहे थे। अब रही बात कि समय बदल चुका है, अब जनता आपस में बेवकूफ़ नहीं है, अब बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता है। देश में अच्छी सरकार है,
अच्छी नेतृत्व है, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे जजेज। सरकार का क्या योगदान है इसमें, ये कह रहे हैं सरकार का कोई योगदान नहीं? बिल्कुल सरकार का योगदान नहीं है, सरकार के अंदर में ही सारा व्यवस्था चलता है। आज सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट सरकार से ऊपर है सर। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में बिजली जो जाती है सरकार के व्यवस्था से ही जाती है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर इनका रिप्लाई? जी हम यही जो ये भाई साहब पूछ रहे थे के ऊपर, इन्होंने बोला कि हाँ है, बाबर आया था, वीजा लेके आया था। नहीं, हाँ तो इनको ये यादव जी को ये बताना चाहिए कि बाबर वीजा लेके आया था और ये बाबर की लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ के भगवान राम थे या बाबर थे? और जो बाबर का आप नाम ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का कहीं जिक्र नहीं किया, उसको विवादित ढांचा बोला है। बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं किया कोर्ट में, विवादित ढांचा बोला गया। ये बाबर जो बोला है, देश के राष्ट्रपति लोग मुसलमान लोग हुए हैं, एपीजे कलाम जैसे कहने का मतलब है कि अकबर रोड ये सब, तो क्या इसको मिटा देना चाहिए यहाँ से, भारत से मुसलमानों को हटा दिया जाना चाहिए ना? हटा देना चाहिए। ब्रिटेन में कोई हिटलर के नाम की रोड है? हिटलर के नाम की रोड है? ये तो मुझे जानकारी नहीं है। नहीं है ना, इसका मतलब क्या है? हम अभी यूनिट ऑफ स्टैचू बना है इस देश में अकबर को। एक मिनट सर, मैं बोल लूं, आप कह रहे कि इस देश में अकबर को भी मानने वाले लोग हैं, इस देश में बाबर को भी मानने वाले लोग हैं और खिलजी को भी मानने वाले लोग हैं। संयुक्त देश है भाई। देखिए ऐसा है ना, बाबर का सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। बाबर भगवान है मुसलमान, नहीं बाबर भगवान है मुसलमानों का। बाबर को भगवान का, तो बस बाबर का मजा सुनिए भाई साहब। अभी एक मिनट, आपने बोला आस्था तो भगवान में होता किसी इंसान में नहीं। बाबर का मजार अफगानिस्तान में है, लवानी साहब भैया कोई पूछने वाला नहीं, वहाँ जाकर नमाज नहीं पढ़ेंगे क्या लोग? बस यही नमाज पढ़ेंगे जिसको तोड़ के मस्जिद बना दिया गया। ये क्या बात हुई? ये जो लिबरल है, जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग वाले हैं, जो कांग्रेस एंड कंपनी वाले लोग हैं, सुनिए पूरी बात सुनिए, ये उनको बहुत दर्द हो रहा है। न वो सच मानते हैं राम जी का, न ईवीएम मानते हैं। वो क्या मानते हैं भैया बता दे? टुकड़े टुकड़े गैंग था 2014 से, पहले टुकड़े टुकड़े गैंग था। सुनिए, ये देश बाबर के हिसाब से नहीं चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, समझ गए ना? संविधान में राम जी का जिक्र है, हनुमान जी का फोटो है, भारत टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। ये इन्हीं जैसे लोगों का बयान था, जिस वजह से ओवैसी ने बोला, ओवैसी ने इनको बताया कि तुम्हारी क्या है, बोला कि मुसलमान 6% छक्के हैं। एक रात में नोटबंदी हो जाती है, सब कोई जाता है, किसी को जलाया नहीं जाता है, नसबंदी होती है, नसबंदी होती है आपके जमाने में, तब तक गवर्नमेंट मुंह पर कर्फ्यू लगा रहता है, तब तो नहीं बोलते हैं आप, नोटबंदी आता रहता है आपको, तब नोटबंदी आता रहता है, आप उसी जमाने के पैदा हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? आपके जमाने में संघराज्य कांग्रेस की नसबंदी वाली सरकार चाहते हैं, यादव जी मतलब की बात कर रहे कृष्णा जी एक निगेटिव सोच के व्यक्ति थे और वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, देश में वो कृष्णा जी और देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि उनकी राजनीति चल नहीं रही है, वो जाति के राजनीति पर जीना चाह रहे हैं। हमारे देश के विकास पे अब राजनीति हो रहा है और देश में किसी किस्म का मुद्दा आने वाला समय में नहीं बचेगा। उन्होंने बोला सर कि बाबर पूर्वज थे, यहाँ के मुसलमान उन्हें पूछते हैं, उन्होंने बोला जो बाबरी की लड़ाई चले, बाबर अकबर रोड ये वो, तो आस्था का विषय है मुसलमानों का। अब अकबर बाबर खिलजी इस देश में माने जाए, अब यही रह गया हिंदुस्तान में, अकबर आस्था का केंद्र है। अरे महाराणा प्रताप की कहानी सुनाइए घर घर में, रोमांचक होगा, बच्चे सीखेंगे शिवाजी के बारे में, बताइए संघर्ष के बारे में, कैसे मुसीबत में कैसे रोटी लाशो पकती थी वो हमारे महापुरुष खाते थे। ये अकबर महान हो गए, सरकार बदलते अकबर महान हो जाते हैं। एक सेकेंड, राम जी का जन्मस्थल है, राम जी के जन्मस्थल में राम जी का मंदिर बनना चाहिए, एक सनातनी परंपरा आ रही है, हमारा करोड़ों हिंदुओं के हिंदुस्तानियों के आस्था का प्रतीक है। अब समय आ गया है, भव्य मंदिर का निर्माण होगा। एक अगर ये हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान को राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया गया अब तक? राष्ट्र नाम ही है तो इसमें घोषित क्या करना है? क्यों नहीं मुस्लिम स्थान है, क्यों नहीं मुस्लिम स्थान नाम रखा गया? सेकुलर, एक मिनट,
एक मिनट मैं भी तो खड़ा हूँ, संविधान बना था तो क्या संविधान में सेकुलर शब्द था? बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1954 के करीब जोड़ा गया। 1976 में जोड़ा गया, जानकारी रखिए। इमरजेंसी में किसके परमिशन से जोड़ दिया? आपसे पूछा? कांग्रेस सरकार का नाम लीजिए।